पहले साल हमने अपनी पूरी मार्च कंदील बलोच को डेडिकेट की थी, उससे अगले साल हम लोगों ने ज़रूर बात की थी भट्टा मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में, डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में, बहुत फोकस्ड होकर हमने बात की। पिछले साल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया ट्रांस कम्युनिटी के ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर जितना वायलेंस हो रहा है वो अभी भी हम अगर पिछले पूरे साल में देखें तो बहुत ज़्यादा था। इस साल हम लोग एक मेजर फोकस रख रहे हैं फ्लड विक्टम्स के ऊपर, बिकॉज पिछले साल साउथ पंजाब में जितना बुरे तरीके का फ्लड आया था उसकी वजह से अभी तक भी लोग इम्पैक्टेड और रियासत ने उन्हें मुकम्मल तौर पर रिहैबिलिटेट नहीं किया है। हमारी जो लेबर से रेलेवेंट खवातीन है, देहातों में काम करने वाली, खेतों में काम करने वाली, उन खवातीन के राइट्स के लिए हमें काम करना चाहिए और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनानी चाहिए। हम मजदूर के लिए, किसान के लिए, चाहे वो भट्टा मजदूर हों, चाहे हमारी घरेलू जो हमारी खवातीन काम करती हैं, हम तो उन सबको बुलाते हैं। वो सब उनका दिन है ताकि वो एक दिन अपने अपना बताएं कि उनकी क्या मसले हैं। भट्टे ते खवातीन जड़ियां काम करेंगे, उन्हां दा आने पाकिस्तान है, इस्लाम दे विच ते इंसानी हकूक दे चैप्टर के मुताबिक उन्हां दे भी उहे हकूक हैं जिहड़े एक जिम्मेदार औरत के। जिहड़ियां भट्टे ते काम करेंदियां खवातीन वो हरासगी का शिकार हैं, काम करने वाली जगह ते कोई सेफ्टी दी वो कोई नहीं, सहूलियात कोई नहीं, साफ पानी कोई नहीं। आज का जो दिन है बहुत अहम है खवातीन के राइट्स के हवाले से, और स्पेशली जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है एट वर्क प्लेस, इनकी जो आवाज़ है वो आईन और कानून और इस्लाम भी उसकी इजाज़त देता है। ये जायदाद में हक मांगती है, ये अपनी लाइफ का हक मांगती है, ये एजुकेशन का हक मांगती है, तो ये सारे हकूक ऑलरेडी आईन पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये इस दिन में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इनके साथ है। आखिर औरतें मार्च क्यों कर रही हैं, ट्रांस कम्युनिटी के लोग क्यों इसका हिस्सा हैं, बच्चों के बारे में क्यों बात हो रही है, इकोनॉमिक राइट्स क्या क्या इंपॉर्टेंस है, फ्लड्स आ गए हैं तो उसमें रियासत की क्या जिम्मेदारी है, इस तरह की चीज़ों के क्यों पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ये एक राइट्स मूवमेंट है।